चप्पल भी टूट गई है। आपने देखा होगा अभी भी कहीं कहीं गांव में लोग ऐसे ही चलते हैं घूंघट लगा के, पहले करते थे बट देखा जाए तो अभी भी बहुत जगह होता है, तो हम लोग अभी वही वाला फीलिंग ले रहे हैं। पूरा रास्ता हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। हम बस अपने पापा का बात नहीं कर रहे, जितने पापा है दुनिया में इफ यू अग्री, अगर फोन में वीडियो देख रहे हैं खुद तो देखेंगे, सबको दिखाएंगे, कितने इनोसेंट होते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी आता है तो देखते रहते हैं, जल्दी से हटाते हैं, अरे 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 ये क्या आ गया, लेकिन अब वो आवाज नहीं कम करेंगे। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है। आई समटाइम्स रियली गेट बॉदर्ड व्हेन आंटीज लुक एट मी, आई शुडन्ट बी। अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, फिर हम सोचते हैं कि जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना सब अपने अपने लाइफ में, क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। फिर जब अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है और प्रलय आना है तो रहन दो फिर। मेरे दादा दादी प्रलय को प्रलय बोलते हैं, और वो एक्सेंट है, एक सुनने में अच्छा लगता है। तो जब प्रलय आना ही है तो फिर क्यों करना इतना मेहनत, फिर सारा मेहनत बेकार लगता है। क्या हुआ सुन आंटी? आंटी आंटीज आर वेरी अननोइंग, यू नो सच एन अननोइंग क्रीचर, बोलती हैं आंटी इतना गंदा बोलती हैं कि तुम्हारा भेल पावर तुम्हारे ठेहुना में आ जाएगा। एक लाइन में गाता है एकदम होली का गीत सर्च करो तो ये सब लाइन सुन के अलग ही वाइब आता है। स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम बिहार यू विल डेफिनेटली कनेक्ट, क्योंकि एक्सेंट वैसा सुने हम लोग स्टार्टिंग से। वाह खिलाड़ी वाह, पोटी कर दिया यार सब रास्ते में, अरे या तो टट्टी है यार। दोस्तों का मजाक उड़ाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गली का एक स्टोरी हमको याद है, एक आंटी जा रही थी और वो साइड ही नहीं हो रही थी, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक था, मैं मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो होता है ना जब मूड ऑफ होता है तो हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, तब मैं से बोले आंटी उनका लगा कि कोई तो आंटी पीछे मुड़ के देखिए, हम साइड से निकल लिए आगे, भैया जो हमको हंसी आ रहा था ना उस टाइम पे बता नहीं सकते हैं, तो बोले आंटी। मेरी मम्मी लोग बैंक जाती है तो वो फाइल में पूरा पेपर लेके जाती है, हम पूरे मार्केट को दिखाते हुए दौड़ गए, ऐसे ऐसे दौड़ रहे थे। So much of chill in his life. दुग्गो देखो जरा, मेरे मन में था कि आज मेरा अकाउंट खुल ही जाएगा, उसके बाद जब कोई हमसे बोलेगा ना कि बाबू पैसा है तो बोलेंगे नहीं है पैसा, तो मेरे पास इंटेलेक्चुअल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। ये भी होता है कभी कभी पकड़ा जाते हैं, चलो गूगल पे करो, उसमें पकड़ा जाता है, दोनों तरफ टेंशन ही है, और कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कैश यूज करें या फिर गूगल पे यूज करें। ये सारी चीजें आई हैव टू फेस नाउ, आई नो कोई भी नई चीज हमारे लाइफ में आती है तो अपना अच्छा और बुरा साइड लेकर आती है ब्रो। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हैं, इसको देखो देखो जरा कैसे झूम झूम के चल रही है, आई गजब, अरे गजब। चलो बहुत प्यार मिल गया तुमको, चलो बाय 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 बच्चू, बाय बच्चू। अभी मम्मी ब्लॉग देखेगी ना तुम्हारा तो गुस्साएगी जाके हो गया ऐसे मत आओ मेरे पीछे, इतना इम्प्रेस नहीं किया हम तुमको, चलो इसको सबसे अटेंशन चाहिए मतलब कोई जानवर आपके हाथ से जेंटली कुछ खाता है, कोई ऐसा क्रीचर जो आपकी भाषा ना बोलता हो, बीट बर्ड बीट एन एनिमल बीट लिटिल बेबी जो बात नहीं कर पाता हो, वो अगर आपके हाथ से खाना खाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा हाथ बचा बचा के खा रहा था ईटिंग, बट वो उतने फोर्स के साथ मेरे हाथ की तरफ नहीं आ रहा था, मतलब वो ऐसा बचा के खा रहा था कि मेरा हाथ उसके दांत से बाइट ना हो जाए, मतलब इतना केयरफुल तो हम भी नहीं थे बचपन में। मम्मी का हाथ कभी कभी हम काट लिया करते थे, उसके बाद मम्मी खूब गली आ अच्छा लगा। I'm feeling so good. Mama. एक डॉग रख लूं क्या? घर में नहीं आने देंगे, घर में नहीं आने देंगे।
ऑनेस्टली बताऊँ ना तो अगर मैं डॉग अपने घर में ले आऊँ तो धीरे धीरे मम्मी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद तो हम भी मम्मी के सर पे चढ़ के रहेंगे और मेरा टॉमी भी मम्मी के सर पे चढ़ के रहेगा। मेरे को घर से निकाल देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुम उसको भी पूछोगी खाया कि नहीं, क्यों नहीं खाया। और हम तुमको नहीं ढूंढते, कभी घर आती हो ना वो तुमको जरूर ढूंढेगा मम्मी आ गई कि नहीं, वो तुमको मम्मी वाला फीलिंग देगा। जब अकेला आइसक्रीम खा ही ली थी तो रैपर भी फेंक दिया होता ना। मम्मी का राजा बेटा जो कि कोई काम नहीं करता है। राजा है तो क्यों काम करेगा, करवाएगा ना, समझ में नहीं बात है। अभी दीदी ये व्लॉग देखेगी पक्का बोलेगी सर पे चढ़ा के रखी हुई है छोटी वाली बेटी को। करो